शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन महाराज की जय। देखो आज राघव घर आ रहा है, तुम लोग ध्यान रखो कि उसे इस घर में किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी जी भैया। लेकिन मनोहर भैया, हमें ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। राघव भैया हमारे सगे भाई हैं, लेकिन वो हमारे साथ कभी रहे ही नहीं। ऊपर से वो बॉम्बे से आ रहा है भैया, क्या इस गाँव के तौर तरीके सीख पाएगा? दर्पण, बड़ों का काम छोटों पर सवाल उठाना नहीं होता, बल्कि उन्हें सही राह दिखाना। और अगर राघव खुद से नहीं समझेगा तो हम लोग मिलकर समझा देंगे उसको। मनोहर भैया, क्या राघव भैया हमारे रीति रिवाज सीख पाएंगे? क्यों नहीं सीखेगा, भाई हमारा, मैं हूं ना, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बात करूंगा उससे, ठीक है? हाँ राघव, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा भैया। ठीक। अरे भैया खुश रहो। अरे तुम दोनों कैसे हो? हाँ बढ़िया भैया। अच्छा हुआ आप आ गए। राघव भैया, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप मुंबई से यहाँ गांव में आ गए। राघव, हमने बचपन भले ही साथ में ना गुजारा हो, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे की जिंदगी तुम हमेशा हमारे साथ बिता दो। सही कहा भैया आपने, अब हम पांच भाई पांच पांडव की तरह हमेशा से साथ में रहेंगे। आओ चलो। सूरज मनीष बैग उठा लो। जी भैया चलो। हाथ धोए तुमने? कुछ कहा? मैं बोल रहा हूँ हाथ धोए तुमने? तुम उसी हाथ से खा रही हो, उसी हाथ से खाना बना रही हो। हाँ सुबह घिस घिस के तो नहाई थी, हाथ तो धुले ही होंगे ना। अरे लेकिन सुबह से दोपहर हो गई ना, कितने कीटाणु लग गए होंगे हाथ में। अरे मर्द बन मर्द, मर्द तो है ना लोहे को भी चबा जाते हैं, और तू कीटाणु की बात करता। कीटाणुओं से कितनी बीमारी होती है पता भी है तुम्हें? और तुझे पता है जिसके हाथ की रोटी खाते है ना उसे ज्यादा ज्ञान नहीं देते, क्या पता कौन कब जहर मिलाकर कर दे तेरा टाइफिश। बड़ी बदतमीजी तुम यार, तुमसे हाथ धोने के लिए बोला इतना नाटक कर रही हो उसमें, कैसी नौकरानी रखी है भैया ने। ए भगवान, ये छोरा तो मेरे हाथ धोने के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है। तू ना घना चौधरी मत बन, तुझे खाना खाना है तो खा, नहीं तो निकल मेरी रसोई से, भाड़ में जा, निकल यहां से निकल। अरे राघव क्या हुआ? राघव दाल में कितनी मिर्ची डाल दी इसने। पानी, हाँ पानी दो, पानी दो।
अरे जल्दी भरो ना। दाल में मिर्ची ज्यादा हो गई है क्या? एक मिनट में चखता हूँ। चखो चखो जरा। मिर्च तो ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक है भैया। जी भैया, मिर्ची तो ठीक है, ठीक है, मिर्च तो ठीक है। शहर में पला बड़ा है ना, यहाँ के खाने के जायके नहीं पता। तुम क्या शहद खाकर पले बड़े हो? मर्द बनो मर्द। भैया आप सब इसकी बकवास कैसे सुन लेते हैं? कब से ये बेइज्जती कर रही है? मेरे घर में ऐसी नौकरानी होती ना तो आपका बाहर फेंक दिया होता। बेइज्जती तारा तुम्हारी नहीं कर रही है, बल्कि तुम तारा की कर रहे हो। मतलब तारा इस घर की नौकरानी नहीं है, वो तुम्हारी भाभी की छोटी बहन है। तुम्हारी भाभी के मौत के बाद इसी ने इस घर को अच्छे से संभाला है। और तुझे पता है तारा का घर यहां पास में ही है, लेकिन भाभी के जाने के बाद उसने इस घर को अपना घर समझा है। बहुत एहसान है इसके इस घर पर। जी एहसान की क्या बात है, ये घर भी तो मेरा अपना ही है ना। दीदी के चले जाने के बाद में आप सब भी तो मेरे घर वाले ही हैं। वैसे कुछ लोग हैं जो खामखा मुझसे जलते रहते हैं। ये पुस लगा रखा है, ऊंचा सुनती हूँ मैं, ऊंचा थोड़ा जोर से बोल। मैं बोल रहा हूँ कि I'm sorry, मुझे माफ कर दो। हाय कड़े जी भी तो ठंड पड़ गई, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बर्फ का ठंडा ठंडा पानी पिया हो। मुझे पता नहीं था कि तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो। क्यों, नौकरों से ऐसे बात की जाती है? ऐसे डांट कर फटकारा जाता है, उनके अंदर दिल नहीं होता? किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जिस बर्ताव से अपना खुद का दिल दुखे। बातें तो तुम बड़ी अच्छी करती हो। मैं लड़की भी बहुत अच्छी हूँ, जब तक मुझे गुस्सा ना आए। पंगा मत लेना मेरे साथ, वरना जितनी मिर्ची डाली है ना उससे चार गुना ज्यादा तेज मिर्ची डालूंगी। अब ठीक है, चल काम में हाथ बटा। एक काम कर, ये बर्तन साफ कर, साफ कर, मैं कुछ और करती हूँ। पढ़ना भी आता है तुम्हें? क्यों, हारे को क्या लगता है? गांव के लोगों की बुद्धि भैंस बराबर होती है, हमारे को पढ़ना भी आता है और समझना भी। लेकिन समझाना तो नहीं आता ना? ऐसे कैसे नहीं आता, इसमें जो राजा है ना वो अपनी राज्य की एक गरीब लड़की मृदुला से बहुत प्यार करता है और उसके घर पर अपना रिश्ता लेकर जाता है। पर क्या है ना, राजा की जो माँ है ना वो इस रिश्ते से मना कर देती है। भाई साहब बड़ी ही चंट है बेचारे राजा, उसका तो दिल ही टूट जाता है। अच्छा तुम्हें नॉवल समझ में आती है लेकिन मेरी आंखें नहीं। नहीं वो हाँ क्या, हाँ वो नहीं, वैसे तो पूरे घर में घमा चौकड़ी मचाती है, अब क्या हो गया? देख प्यार करता हूँ तुझसे, तू भी करती है ना?
पता कर लेना चाहिए। बहुत हो गए जरूरी काम, अब सारे जरूरी काम शादी के बाद। क्या हुआ, तुम शादी नहीं करोगे क्या मुझसे? ये सब तुम मुझसे नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? बड़ी भाभी के जाने के बाद भैया बिल्कुल अकेले हो गए हैं, और दर्पण भैया की भी शादी नहीं हुई है, तो मैं कैसे आगे बढ़कर तुमसे शादी कर लूं? जैसे आगे बढ़कर शादी के बाद वाले काम किए हैं ना तुमने, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना राघव? आरा मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मोहलत मांग रहा हूँ। एक बार मनोहर भैया और दर्पण भैया की शादी हो जाए, फिर हम धूमधाम से शादी करेंगे। तब तक मैं क्या करूँ, तुम्हारे नाम की मेहंदी अपने हाथ पर लगाकर बैठी रहूं? जोगन बनकर भी बैठी रही ना तो भी मेरे घर वाले मुझे और ज्यादा दिन बैठने नहीं देंगे। हर दिन मेरे रिश्ते आते हैं, कभी भी मेरे हाथ पीले हो सकते हैं, और तुम अपने भाइयों की गृहस्थी बसाते रहना। तारा मेरी बात तो सुनो एक मिनट। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया मैं आपको बताने वाला था हम दोनों के बारे में। कोई बात नहीं तारा, तुम्हारी शादी राघव के साथ ही होगी। इसी हफ्ते। लेकिन भैया आपकी और दर्पण भैया की शादी से पहले मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता, मुझे कोई दिक्कत नहीं और मनोहर भैया को भी कोई परेशानी नहीं। वैसे भी भाभी के जाने के बाद से घर सुना सुना हो गया था, और फिर तारा तो भाभी की ही परछाई है, इतने दिनों से इस घर को संभाल रही है। राघव एक औरत घर में आएगी तो घर फिर से आबाद हो जाएगा। क्यों मनोहर भैया? दर्पण सही कह रहा है, तुम दोनों शादी की तैयारियां शुरू करो। आप दूध पी लो। ओ, आप? अभी तक तू, तुम, सीधा आप? अब हमारी शादी हो गई है, आप मेरे पति हैं। क्या बात है। राघव, राघव, आ गई तुम, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। सो गए तेरा पति? हाँ। मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, मुंह दिखाई, कैसा है? ये तो बहुत सुंदर है। तुम पर खूब जचेगा। आओ बैठो, बहुत सुंदर लग रही हो तुम, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। इस सर में दर्द क्यों हो रहा है यार?
राघव ये लो गरम गरम चाय। रख दो यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है अभी। वैसे तुम गरम गरम चाय पियोगे ना मेरे हाथ की, सर का दर्द गायब हो जाएगा। ये लो चाय पियो। बस एक बात समझ में नहीं आ रही, कल रात में मैं सो कैसे गया? तारा, अरे तुम कहाँ हो गई? वैसे कल जो काम अधूरा रह गया था आज पूरा करें। बात तो पति की कही है तूने, हाँ? हमारे सूरज में भी दिमाग है। मनोहर भैया, हाँ? मैंने आपकी कंपनी की फाइल चेक की है, काफी झोल किए हैं आपके अकाउंटेंट ने। अच्छा बताओ। वैसे मैं भैया बोल रहा था कि अगर आप मशीन्स की रिप्लेसमेंट करवा दें तो मैन्युफैक्चरिंग में काफी फायदा हो पाएगा। मतलब काम ज्यादा तो मुनाफा भी ज्यादा। बिल्कुल, बात तो सही कह रहा है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फैक्ट्री का पूरा मैनेजमेंट हम तुम्हारे हाथ में दे दें। जी भैया सही कह रहे हो। अरे भैया, इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी मैं कैसे संभाल पाऊंगा? अरे क्यों नहीं संभाल पाओगे? अरे हम ठहरे गांव के लोग, तुम शहर से पढ़ करके आए हो, दुनिया ज्यादा घूमे हो और बिजनेस कैसे चलाते हैं हमसे ज्यादा बेहतर जानते हो तुम। जी भैया सही कह रहे हो। भैया संभालो ना, प्लीज संभालो ना भैया, संभाल ले। ठीक है भैया। कैसी है? बिल्कुल तुम्हारी जैसी मीठी मीठी। चलो मुझे देर हो रही है, भैया ने फैक्ट्री की नई जिम्मेदारी सौंपी है। और बीबी की जिम्मेदारी कुछ है या नहीं? हुकुम तो करो मालिक। अच्छा सुनो, आज मेरे लिए ना तुम गजरा लेकर आना। बस पक्का, शाम को। बाय बाय बाय। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए आप? हाँ, मैंने तुझे राघव से कहते हुए सुन लिया था तुझे गजरा चाहिए, तो मैं ले आया। अरे पर आप इतना जल्दी फैक्ट्री से? अब तो सब कुछ राघव संभाल रहा है ना, और मेरे पास तो तेरे लिए टाइम ही टाइम होगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा सारा समय ना तेरे साथ बिताऊं। एक बात बताओ जी, अब हम सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते राघव को? अब मुझे उससे झूठ नहीं बोला जाता। हेलो, हाँ बस 5 मिनट में आया फाइल लेके। ओके भाई, आप यहाँ? अरे वो फाइल ढूंढ रहा था मैं। हाँ देखो, मिल गई। लेकिन ये फाइल तो मैं लेने आया था। अच्छा तो ठीक है, रख ले। ठीक है, सारा ये गजरा कहाँ से आया? अब वो घर के बाहर ही बेचने आई थी तो मैंने ले लिया। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं अच्छा है। चलो चलो, मेरे को बहुत सारा काम है अभी, सारे कपड़े इस्त्री करने हैं मुझे। राघव, जैसा तुमने कहा था, मैंने शहर से हमारी फैक्ट्री के लिए कुछ नई मशीनें मंगवा ली। ओके मैम। खाना तो तुमने आज बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, और आज तो कुछ खास ही बात है। और पता है,
शादी के बाद तुम बिल्कुल अपनी दीदी की तरह दिखती हो। भाभी आज का खाना सच में बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी। आपके हाथों में जादू है। क्यों मनीष, सही बोल रहे सूरज। अरे खाना तो ये पहले से ही अच्छा बनाती थी, लेकिन आज तो इसके खाने में कुछ ज्यादा ही अपनापन है। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। क्यों तारा? मैं आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। ये लो, दूध पी लो। पी लूंगा मैं थोड़ी देर में, यहाँ रख। अरे दूध पी लो। सुना नहीं तुम्हारे भाइयों ने क्या कहा था कि हमारे इस घर को वारिस चाहिए, तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी। दूध पी लो। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, बाम लगा दो। नहीं है ठीक है, मैं बाम लेकर आती हूँ। अरे दूध पी लिया तुमने? लाओ मैं बाम लगा देती हूँ तुम्हें। आराम मिला? राघव, राघव से ना हो पाएगा ये। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। क्या करेगा? शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई तुझे? राघव क्या कर रहे हैं सब तू? अच्छा आप सबको शर्म नहीं आई? घिन आती है मुझे आप सब से। आप सबने मेरी बीवी के साथ बलात्कार किया है। मेरे साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना वो मेरी मर्जी से हुआ है। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि यही इस गांव में होता आया है और यही इस गांव की प्रथा है। क्योंकि इस गांव की यही रीत है। यहाँ औरत शादी तो एक मर्द के साथ करती है, लेकिन उसके संबंध उस घर के सभी मर्दों के साथ पति जैसे होते हैं। फिर चाहे वो उसका पति हो या देवर हो या ससुर, उन सबको वो बराबर का सम्मान देती है। अच्छा इसे तुम प्यार और सम्मान कहती हो? यही इस गांव की रीत है। ये रीत नहीं कुरीति है। अपनी हवस को रीति का नाम देकर अपने पाप को छोटा मत करो। तू ही फसाद की जड़ है ना। छोड़ मुझे ठीक से बोलो। तारा रस्सी खोलो, छोड़ो मुझे। तारा सुन क्यों नहीं रही हो? तारा प्लीज छोड़ो ना मुझे, प्लीज रस्सी खोल दो ना। तारा तू बार बार कहती थी ना कि राघव को सब कुछ सच सच बता दूं। पता था मुझे पता था कि शहर में पढ़ा लिखा ये लड़का हमारे गांव की मान मर्यादा और संस्कार को कभी नहीं समझेगा। हमारे गांव की प्रथा हमारे छोटे भाई के प्यार से कई ज्यादा बढ़कर है। और तू गौर से सुन राघव, या तो तू इस प्रथा को पूरे दिल से स्वीकार करेगा या फिर पूरी जिंदगी इस कमरे में सड़ता रहेगा। समझा राघव?
तारा प्लीज तारा 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 प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज तारा खाना खा लो तारा छोड़ दो मुझे प्लीज पहले मुझे नहीं खाना खाना देख राघव मान ले हमारी प्रथा को क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहा है मान ले राघव खाना खा लो नहीं खाना जा ले जा राघव चार दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है खा लो खाना क्या होगा मर जाऊंगा तो मरने दे तुझे क्या फर्क पड़ता है तेरे पास तो चार मर्द और है ना अपना जी बहलाने के लिए समझ नहीं आता कैसी औरत है तू रीति रिवाज के नाम पर इतना घिनौना काम कर रही है मेरे हाथ खुले होते ना सबसे पहले मैं ही तुझे मार देता बहुत मजा आता ना ये सब करने में हाँ दुनिया की कोई पीड़ित औरत के हित के लिए नहीं बनी ये समाज सदियों से ही औरत को ऐसे ही प्रताड़ित करता रहा है और मुझे तो कुछ नहीं पता कि मेरा अच्छा क्या है और बुरा क्या हर औरत अपने मर्द को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करती रही है मेरी माँ ने भी यही किया कभी मेरे ताऊ चाचा दादा सबके साथ सोती रही पर ये प्रथा है मेरे साथ कुछ अलग नहीं हुआ है हाँ एक चीज अलग हुई है मुझे मुझे तुम्हारा प्यार मिला राघव इस गांव में तो औरतें सिर्फ खिलौना है जो जिस मर्द ने चाहा छू लिया जिस मर्द ने चाहा चूम लिया प्यार प्यार तो यहाँ पर कोई जानता भी नहीं पर मैंने महसूस किया है प्यार प्यार में जो खुशी मिलती है जो गम मिलता है उन सब चीजों का एहसास हुआ है मुझे तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है लेकिन सच तो ये है कि मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी है मेरी कोख में मैं जानती हूं कि तुम मुझे चरित्रहीन समझते हो क्योंकि मैं तुम्हारे भाइयों के साथ सोई हूं तो ये बच्चा किसी का भी हो सकता है लेकिन लेकिन मेरी कोख में पलने वाला बच्चा मेरा यकीन करो राघव ये बच्चा 3 महीने पहले का है हमारी शादी से भी पहले का जब मैं सिर्फ तुम्हारी थी तारा जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं ना तुम हो मैं हूं अब तो हमारा बच्चा भी है ना हम यहाँ से दूर कहीं चलते हैं इतना आसान नहीं है ये राघव मेरी बड़ी बहन तुम्हारी भाभी ने भी इस कीचड़ से निकलने की कोशिश की थी पर उसे भी मार दिया था तुम्हारे भाइयों ने मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ विनती करती हूँ इस प्रथा को मान लो भले ही मेरा शरीर तुम्हारे भाइयों में बटा है लेकिन मेरा प्यार सच्चा है वो सिर्फ तुम्हारा है और मेरी खोक का बच्चा भी तुम्हारा है ठीक है तारा बोल दो उनसे मैं तैयार हूं उनके रीति रिवाज मानने के लिए
बहुत अच्छा काम किया कि तुम मान गए राघव, हमें भी तुमसे छुपाना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और आज के बाद हम भाइयों के बीच में कोई राज नहीं रहेगा, और आज से ही हम सब भाई मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्यों भाइयों? जी भैया। तो भैया, नई जिंदगी की शुरुआत तो जश्न से होनी चाहिए। अरे, ये सब कब बंदोबस्त किया तूने? बस हो गया। अरे वाह, तो फिर जश्न मनाते हैं। बिल्कुल, चलो। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। रेस्ट करो इसको। तारा, औरत का सम्मान किसी भी समाज से बढ़कर होता है। कोई भी रीति रिवाज किसी भी औरत को गलत काम करने पर मजबूर नहीं कर सकती। रीति रिवाज के नाम पर औरतों को दबाना बहुत गलत है। तारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हमारे साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता था। वैसे शहर में ना मेरा अपना एक घर है, तुम वहां चली जाना, वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हमारा बेटा हुआ ना तो उसे अच्छा एक इंसान बनाना, और अगर बेटी हुई ना तो उसे समझाना कि रीति रिवाज के नाम पर कोई बलिदान ना दे। मैंने इन्हीं अपने हाथों से अपने भाइयों को मारा है क्योंकि वो गलत कर रहे थे। कम से कम अब तो ये प्रथा के नाम पर किसी निर्दोष को बलि पर नहीं चढ़ाया जाएगा। ले चलो इसको।